राजकोट हीरासर एयरपोर्ट पास इनक्रेडिबल ग्रुप द्वारा इनक्रेडिबल एरोसिटी प्राइम विला प्रोजेक्ट लॉन्च करवामां आवी रह्यो छे। आ प्रोजेक्ट नुं लॉन्चिंग बॉलीवुड ना प्रख्यात अभिनेता सुनील शेट्टी द्वारा करवामां आवशे। बाउंड्री पेक सोसायटी साथे साथे क्लब हाउस, एंट्री गेट, सिक्योरिटी केबिन, रिवर फ्रंट, रस्ता साथेनी तमाम सुविधाओथी इनक्रेडिबल एरोसिटी प्राइम विला सज्ज छे। इनक्रेडिबल ग्रुप द्वारा पत्रकार परिषद योजवामां आवी हती। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी अने इनक्रेडिबल ग्रुप ना डायरेक्टरे पत्रकार परिषद संबोधी हती। अच्छी है, पूरे देश में गर्मी है, मेरे हिसाब से तो इलेक्शन की गर्मी है, ये गर्मी रहनी चाहिए। हमें सबको घर से निकल के गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, तूफान हो, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, वोट करना चाहिए। और ये यही है मेरी रिक्वेस्ट सबसे कि सब कुछ भूल जाइए और अपना हक जाके जताइए। ये इवेंट के लिए आया हूँ एज अ चीफ गेस्ट। अच्छा लगा मुझे, प्रोजेक्ट अच्छा लगा और मेरे दोस्त मनोज भाई ने रेकमेंड किया था तो मैंने जब देखा तो प्रोजेक्ट अच्छा लगा। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो भी होता है हमेशा प्रोग्रेस की तरह ही बढ़ता है। टेक ऑफ होती है, जनरली टेक ऑफ यहाँ से होती है, लैंडिंग भी होती है लेकिन सेफ लैंडिंग होती है, तो अच्छी होगी। और फिंगर्स क्रॉस चाहूँगा कि अतुल और आशीष की कंपनी बढ़े और अच्छा करे। एयरपोर्ट के पास है तो अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी लैंड है और अच्छी जगह है, तो जगह की अप्रिसिएशन। और यू नो ग्रोइंग सिटी है, आज गुजरात देखोगे तो आप सौराष्ट्र देखो, ऑल गुजरात देखोगे तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। आप गांधीनगर से लेके कहीं भी जाइए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हर तरीके का ग्रोथ, प्राइस देयर इज अ मैसिव प्राइस डिफरेंस। तो अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ कि राजकोट में मुंबई से भी ज़्यादा है, क्योंकि मुंबई पीक हो चुका है, वेयरएज राजकोट इज डेवलपिंग, गुजरात इज डेवलपिंग। यू सी अ लॉट ऑफ सिटीज इन इंडिया आर डेवलपिंग सिटीज, विच मीन्स अपॉर्चुनिटीज आर लॉट। आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ टेरिफिक है, और क्योंकि एयरपोर्ट नया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कनेक्टिविटी एक बार बन जाएगी तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो जाएगा। गुजरात अभी मैं अपना घर भी बना रहा था कुछ 6-8 महीने पहले। पहले तो हम इटली भिटली चिटली जाते थे प्रोडक्ट्स के लिए, आज चिटली भिटली कुछ नहीं है, सब गुजरात में ही है। आज आधा तो अहमदाबाद, मोरबी, इधर उधर से, और प्रोडक्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और फैक्ट्रीज भी सेटअप्स देख के तो मैं तो दंग रह गया, क्योंकि इतनी अच्छी फिनिश, इतनी प्रोफेशनलिज्म, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके मैं हमेशा इंडिया के लिए ही चिल्लाता रहा हूँ, और अब इंडिया का प्रोग्रेस देख के वाकई बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये ज़रूरत है कि बेटा और ज़ोर से लगा दे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वोट एक्सरसाइज करें। देखिए बाद में हम कंप्लेन करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ही ग्रोथ हो तो बाहर निकल के वोट करना बहुत 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 ज़रूरी। अभी NRI वो सोच रहे होंगे कि हम नॉन रिलायबल इंडियंस है कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है, क्योंकि रिलायबिलिटी सिर्फ इस देश में और कहीं नहीं है। ग्रोथ आप कहीं के भी चक्कर में आप उसको कंपेयर करेंगे, IT सेक्टर, आप यू नो टेक सेक्टर, आई मीन IT सेक्टर, टेक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनी सेक्टर्स, आप कोई भी सेक्टर देखोगे, टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी अगर आप देखोगे, आज आप राम जन्मभूमि देखिए UP के लिए, इट्स अ बून व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म। स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ थी पहले ऐसी, टुडे वी आर प्राउड इंडियंस, हम हर जगह की बात करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। ऑफकोर्स यहाँ अच्छा ही है, क्योंकि लाइक आई सेड राजकोट की कनेक्टिविटी हमेशा अच्छी रही है। राजकोट इज ऑलवेज बिन अ सिटी दैट इज इन द फोरफ्रंट व्हेन इट कम्स टू गुजरात ऑल्सो, जामनगर पास में, सब कुछ अच्छा ही है। आई थिंक इन टू इंडिया अहमदाबाद इज ऑल्सो फिनोमिनल, द ग्रोथ दैट आई सीन इन अहमदाबाद इज अनबिलीवेबल, एंड इफ द गिफ्ट सिटी वर्क्स द वे द गिफ्ट सिटी इज बीइंग प्लान्ड, आई थिंक इट्स बेटर देन एनी गिफ्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यू नो। सो व्हाई इन्वेस्ट इन दुबई व्हेन यू कैन इन्वेस्ट इन द गिफ्ट सिटी, व्हेन यू कैन हैव FDIs कमिंग इन डायरेक्टली, यू एवरीथिंग इज इन योर ओन होम। सो आई थिंक इट्स फिनोमिनल, एंड दैट इज व्हाट दिस इज द न्यू इंडिया दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉर। You know, this is the new India that every youth today doesn't want to go abroad. कहते कि यार यही invest करो यार, यही सब कुछ है। आबादी भी है हमारे पास, consumers भी है, और जब consumer आपके पास है, product भी आपके पास है, आपको क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ की। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों से ही जुड़ा हूँ,
मैं हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहा हूँ, सिंपल जिंदगी जिया हूँ, अपने अपने टर्म्स पे जिया हूँ। सक्सेस हो फेलियर है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक चीज पता है कि मेरे को कोशिश करते रहना है। फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, रीजन क्या है, क्या मेरी गलती थी, क्या किया मैंने ऐसे, उसको सुधारूं कैसे और वापस खड़ा कैसे हूँ। और अगर लक खराब हो और फेलियर फेल्ड ही हूँ तो मैं कभी टूटता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत का फल, कंसिस्टेंसी का फल, डिसिप्लिन का फल, ओबीडियंस का फल, एक अच्छे इंसान होने का फल आखिर में मिलता ही है। यस सर, मारू नाम अतुल वाघेला। राजकोट अंदर जय हिरासर इंटरनेशनल एरपोर्ट ग्रोथ थी रही थूँ, अमरी टीम त्यार पर लगेली है। 2016 थी अमे लोग त्या लैंड परचेजिंग काम स्टार्ट कर दीधेलू, जम जम एरपोर्ट ग्रोथ थत गए रीते लैंड अंदर एप्रिशिएशन बहुत सारूँ आ गए। अपने त्या इनक्रेडिबल एरोसिटी, त्यारबाद इनक्रेडिबल एरोसिटी प्राइम, ए बदा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग पड़ेला था। त्यारबाद अरे अपनी पास एरो कमर्शियल पार्क, जो कमर्शियल प्लॉटिंग ज्यादा वेरहाउसेस, कमर्शियल एमेजॉन फ्लिपकार्ट जी कंपनीओं पोते त्या लोकल भाड़ा प्रॉपर्टीओ सर्च करती हुई है। एज रीते एरोसिटी प्राइम अंदर आज सरना हाथ अमे लोग एरोसिटी प्राइम विला लॉन्चिंग करेलू है, कि जमा 2 BHK और 3 BHK वीकेंड विला और एरपोर्ट टूरिज्म ने एट्रेक्ट करे ए टाइपन आखू फॉरेन कल्चर की थीम थी अमे लोग डेवलप करवा जाइ रहा है, जेने फ्यूचर में अमे लोग कोई सारी कॉर्पोरेट होटल ब्रांड साथ एसोसिएट कर इन्वेस्टरो ने बेनिफिट आप पूरेपूरो प्रयत्न करवाना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अपने अँ ला माँगता हो तो आप ने जी जरूरत है ए टाइपनी नीड दे, जे तमे गाम ठीक छो एवं सासण में ए टाइपना फॉरेस्ट टाइपना एरिया में हो, परंतु आपणे ज्यारे एरपोर्ट की बात करिए तो त्यां फॉरेन नो वर्क वधु आवानो छे। ज्यारे इंटरनेशनल डेवलप थई रह्यु छे तो आपणे फॉरेन में NRI ना दुबई, लंडन और अलग अलग बीजा कंट्रीज नी अंदर जईने पण आ प्रोजेक्ट ने प्रमोट करवाना छे अने ए लोकोने एट्रेक्ट करवा माटे आपणे आ लोकोने फॉरेन टाइपनी थीम आखी रेडी करेली छे। अत्यारे आपणे एनुं लॉन्चिंग करेलुं छे, मार्च 2026 સુધીમાં આપણે બધું એને રેડી કરીને પોઝિશન સાથે ફૂલી ફર્નિશ્ડ આપવાના છે। પ્રોપર્ટી આપણે એરપોર્ટથી માત્ર 1 કિલોમીટરના અંતરે અને વિન્ડસર વિલા જેવા ડેવલપ થયેલા પ્રોજેક્ટથી બિલકુલ નજીક છે, એટલે એરપોર્ટના ગેટથી કોઈ પણ ક્લાયન્ટ ટુરિઝમ કે ટુરિસ્ટ હશે એ બહાર નીકળશે તો માત્ર 5 મિનિટના અંતરમાં એ પ્રોજેક્ટ ઉપર પહોંચી શકાશે। અને આપણે ઓલરેડી આની પહેલાના ત્યાં 3 સક્સેસફુલ પ્રોજેક્ટ એરોસિટી અને એરોસિટી પ્રાઇમ કરી ચૂક્યા છીએ। બુકિંગ પ્રોસિજર હવેથી બસ સ્ટાર્ટ કરી દીધેલું છે, અમારી ઓફિસ છે સ્પાયર 1 માં 10 નંબરે, રૂબરૂ આવીને અમારા એક્ઝિક્યુટિવ પાસેથી બધી ડિટેલ લઈ શકે છે। થેન્ક યુ।